आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने 31 साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही सईद पर कोर्ट ने 3,40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उसे टेरर फंडिंग के 2 मामलों में कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज देने की अनुमति दे दी है। अब तक हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर समेत 60 साल से अधिक आयु के लोगों को बूस्टर डोज दी जा रही थी, लेकिन 10 अप्रैल यानी रविवार से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी कोरोना के वैक्सीन की 3री डोज लगाई जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक के नतीजे पेश किए। केंद्रीय बैंक ने लगातार 11वीं बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब सभी बैंकों के एटीएम पर कार्डलेस कैश निकासी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शिवसेना नेता संजय राउत ने शुक्रवार को भाजपा पर मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। राउत ने कहा कि गृह मंत्रालय को इस आशय का एक प्रेजेंटेशन दिया गया है। मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने आरोप लगाया कि भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया, पार्टी के नेताओं, बिल्डर्स, व्यापारियों का एक समूह इस साजिश का हिस्सा था। अप्रैल के पहले हफ्ते में ही दिल्ली का पारा 40 डिग्री पर पहुंच चुका है। दिल्ली वासियों को लू और गर्मी से फिलहाल राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। दिल्ली में 7 अप्रैल का दिन बीते 12 साल में सबसे ज्यादा गर्म रहा। साल 2009 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब अप्रैल के पहले हफ्ते में ही पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में आयोजित शोभा यात्रा के दौरान महंत बजरंग मुनि दास का एक विवादित वीडियो सामने आया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। वहीं पुलिस वीडियो की जांच कर कार्यवाही की बात कह रही है। इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि इस तरह की बात करने वाले लोग स्वीकार्य नहीं है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के कई स्कूलों में धमकी वाला ईमेल मिलने के बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस के मुताबिक बेंगलुरु के अलग अलग स्कूलों को धमकी भरा मेल मिला। इन स्कूलों में तलाशी अभियान जारी है। इन मेल्स के जरिए धमकी दी गई थी कि स्कूलों में बम है। नाबालिग से रेप के आरोप में जेल में बंद आसाराम की मुसीबतें जेल में भी कम नहीं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच रोड स्थित आसाराम बापू के आश्रम के अंदर एक ऑल्टो कार में गुरुवार देर रात एक लड़की की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। ये लड़की 4 दिन पहले लापता हुई थी। लाश मिलने के बाद पुलिस ने आश्रम को सील कर दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 2020 में हुए दंगों के भगोड़े आरोपी और हथियार सप्लायर बाबू वसीम को गिरफ्तार कर लिया है। वसीम वही शख्स है जिसने दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी शाहरुख पठान को हथियार सप्लाई किए थे। शाहरुख खान उर्फ पठान का दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस कर्मी पर पिस्तौल तानने का वीडियो भी वायरल हुआ था। अजान विवाद पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बड़ा बयान दिया है। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि ये सब बकवास है, ये भी कोई मुद्दा है? अगर हम इस पर बात करते हैं तो हम उनकी मदद करेंगे। आप उनकी मदद करना चाहते हैं क्या? वीडियो डेस्क amarujala.com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।